एबीपीएस न्यूज। श्रावस्ती में लेखपालों की हड़ताल से वापस न लौटने पर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कड़ा रुख अपनाते हुए 10 लेखपालों को निलंबित कर दिया तथा परिवीक्षाधीन 35 लेखपालों को परिवीक्षाधीन अवधि एक वर्ष बढ़ा दी है। तहसील इकोना के अंतर्गत तहसील अध्यक्ष राजमणि शुक्ला, महामंत्री प्रदीप चौधरी, उपाध्यक्ष अटल बिहारी, तहसील भिगना के अंतर्गत तहसील अध्यक्ष अशोक मिश्रा, तहसील मंत्री बाबा दीन राव, खंड मंत्री देवी पाटन आशुतोष मिश्रा तथा तहसील जमुना के अंतर्गत तहसील अध्यक्ष धर्मेश दत्त, तहसील मंत्री जगत राम, जिला मंत्री अनंत राम, जिला उपाध्यक्ष गोविंद नाथ मिश्रा को निलंबित कर दिया है। लेखपालों की हड़ताल से परेशानी की दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने 14 जुलाई 2018 को लेखपालों की बैठक बुलाई, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा हड़ताल से वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन फिर भी वापस नहीं लौटने पर प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुसार कार्यवाही की गई। जिलाधिकारी ने परिवीक्षाधीन लेखपालों को वापस लौटने के नोटिस दिए, यदि हड़ताल समाप्त कर काम पर नहीं लौटते तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। नोटिस दी गई है हमारे प्रदेश के कई जनपदों में पदाधिकारियों को निलंबन किया जा रहा है, जैसा कि हमारे प्रदेश महामंत्री जी को भी निलंबित किया जा चुका है। हमें वार्ता के लिए भी बुलाया जा रहा है, उधर हमारे प्रशिक्षु लेखपालों को नोटिस भी दी जा रही है। हमारी जो भी मांगे हैं, जब शासन स्तर पर ये कहा जा रहा है कि आपकी मांगे जायज है, तो अगर जायज है तो शासनादेश क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। हम लोग 2016-2008 एवं माह मई में भी जो है हम लोगों ने इस आंदोलन की चेतावनी दिया, काली पट्टी बांध करके भी जो है शासन को ये बताया कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं, परंतु उस समय सरकार ने चेता नहीं, जिस वजह से हम लोगों को 3 जुलाई से अनवरत मजबूरन धरना देना पड़ रहा है। हम जनता के हमेशा कामों में अग्रणी रहे हैं, जिससे आज भी हमको प्रशासन रीढ़ की हड्डी मान रही है। हम सारे कामों करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमें शासनादेश नहीं दिया जा रहा है तो तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। अब इसके लिए चाहे वो निलंबन करें, चाहे बर्खास्त करें या जेल भेजें, लेकिन यह है कि परिणाम इसका उन्हें अच्छा नहीं मिलेगा। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो जायज मांगे हैं उन्हें पूरा कर दिया जाए, और जब तक जायज मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम इसी तरीके से धरना स्थल पर बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को शांतपूर्ण ढंग से मनवाने का प्रयास करेंगे। जायज मांगे, हमारी मांगे सारी जायज हैं, तो शासन प्रशासन को उनको जारी करने में क्या दिक्कत हो रही है? इसमें डिवाइडर रूल क्यों अपनाया जा रहा है? नए पुराने का भेद क्यों किया जा रहा है? हमको आपस में क्यों लड़ाया जा रहा है? जब तक नरकंदर से सुख भाग नहीं सम होगा, समित्र होगा, कोलाहल संघर्ष नहीं उत्तम होगा। जय योगी महाराज के बता दियो।